इसमें क्या राजस्थान की जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े घराने बोलते हैं मीडिया के, क्या उन्होंने भी आकर आपको कवरेज दी, आपके बारे में मुद्दा उठाया है? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा कभी इन चीज़ों से मीडिया वगैरह इनसे इतना वो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार जब मैं इस आंदोलन में, क्योंकि हमारा खुद का वो है, तो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। मैं ज्योग्राफी से स्टूडेंट हूँ। न्यूज़ 18 मीडिया ने आज तक हमें कभी कवरेज नहीं किया। जियो राजस्थान कभी, जो जी राजस्थान है, वो कभी कभी हमें कवरेज करता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सरकार से डरे हुए हैं। उनको 4 साल सरकार के साथ बितानी है, तो वो छात्रों के साथ में बिल्कुल नहीं है, समाज के साथ में बिल्कुल नहीं है। जो सरकार कहलवाना चाहती है, उस दमनकारी नीति से हमारे इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया हमें कवरेज नहीं कर रहा है, और न्यूज़ 18 वगैरह, और मतलब जो क्या फर्स्ट इंडिया वगैरह, कोई भी चैनल हमें कवरेज नहीं कर रहा है। आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे समस्याओं को बीच बीच में आकर के हमें कवरेज कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया को सकारात्मक जो भूमिका है ना, वो निभानी चाहिए, और छात्रत्व की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। मीडिया की भूमिका पर भी संदेह होना लाजमी है। सरकार के 1 साल पूरा हो गया, अपनी उपलब्धियाँ बताएंगे क्या, इन बेरोजगारों की समस्या भी बताएगी सरकार क्या? अपने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटक चुकी है गहलोत सरकार। तमाम मुद्दे जनता देखती है, जनता सुनती है, आप भी सुनिए सरकार।